अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 23वां प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे अर्जुन मुंडा, कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 23वां प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं अन्य के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े संगठन है। शैक्षणिक ही नहीं सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही है। नया युग का प्रारंभ हुआ है। 100 साल पहले इसकी कल्पना की गई है जो आज मुख्य रूप से कार्य दिख रहा है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि जीवन समाज का सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र है। हम जानते हैं या उपलब्धि हासिल हुई है तो कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, संघर्ष करने पड़े हैं। भारत एक ऊर्जा का स्रोत है या दुनिया को एहसास कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक नई शिक्षा नीति लाई है जो ज्ञान आधारित है। इसे सभी प्रदेशों में आत्मसात कराने का जरूरत है। झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, झारखंड सरकार शिक्षकों की भर्ती ना कर वकीलों की मोटी रकम अदा कर रही है। भारत देश के हिस्सों में समग्रता होनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत को लेकर राष्ट्रवादी संगठन मुखर हो रहे हैं। कोविड महामारी के बावजूद हम 5वीं आर्थिक शक्ति हैं जो जल्दी 3रे अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आने वाले हैं। भारत का ग्रोथ रेट 7% है जबकि अन्य देशों में करीब 2% के आसपास है। जनसंख्या बढ़ने पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पर उन लोगों को हम ज्ञान आधारित शिक्षा देकर हुनरवान बनाएंगे तो हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। आने वाले समय में भारत G20 का नेतृत्व करेगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना सांस्कृतिक विरासत को दिखाएंगे, यही हमारी इच्छा है। कि किस तरीके से और किस ध्येय और किस उद्देश्य के साथ विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है और विद्यार्थी परिषद के मूल में चिंतन धारा इस धारा के प्रति, इस देश के प्रति क्या है और हम कैसे आगे बढ़ें। हम सबों के लिए एक, मैं कहूंगा कि नया युग का प्रारंभ हुआ है। इस नाते कि जिस अभियान, जिस ध्येय, जिस उद्देश्य को लेकर 100 साल पहले कार्य प्रारंभ हुआ वो मुखर रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय देश में जब 2014 से इस देश का नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, एक उभार दुनिया में प्रस्तुत हुआ है कि भारत एक भौगोलिक क्षेत्रफल का देश नहीं है बल्कि एक जीवंत समाज का नाम है। जीवंत समाज का सांस्कृतिक विरासत का नाम है, अपनी पहचान और परंपराओं का नाम। हम सब जानते हैं वर्षों वर्षों के इतिहास को, विभिन्न शासकों के दौर से, शासनों के दौर से गुजरते हुए भारत अपने सांस्कृतिक विरासत को कैसे बनाए रखे, संघर्ष किया, चुनौती आई, पर अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ समझौता नहीं किया। और इसलिए आज जब हम इस युग में अपने आप को पाते हैं तो हमें मुखर तरीके से कार्य करने का अवसर भी मिल रहा, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से दिशा मिले इसका प्रयत्न हो रहा है। और भारत एक ऊर्जा का स्रोत है, यह दुनिया को भी अनुभव कराने में सफल हो रहा है।